अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाने लगे हैं। हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स इधर रखे हैं। हमें हाफ टेबल स्पून जीरा डालना है, गरम मसाला, ये है गरम मसाला, ठीक, ये है नमक, ओके, काली मिर्च, ठीक, ओके, लाल मिर्च का पाउडर, ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। हमारा पानी बॉईल हो गया है, अब हम पास्ता इसमें डाल देंगे। हमने पास्ता डाल दिया, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये चिकन, बोनलेस चिकन हमने हाफ कर दिया है दरमियान से। ये हमने जो हमने मसाला बनाया था, अब हम इसको चिकन को लगाएंगे। हमने अच्छी तरह लगा लेना है। अब हम इसको अच्छी तरह कर देंगे। ये हो गया है, इसको आपने 30 मिनट के लिए रखना है। हमारा पास्ता रेडी हो गया है, बॉईल कर लिया है हमने पास्ता। अब हम चिकन की कुकिंग करेंगे। ये है हमारा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ये हमने चिकन, ये थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि चिकन थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम चिकन की सेटिंग करेंगे। चींटे बहुत आ रही हैं, तो आराम से यार। ये देखें पापा मामा पास्ता। फाइनली हमारा चिकन तैयार है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। वाह अच्छा, हाँ हमने चिकन को डिश अप कर लिया है, बहुत प्यारा है, इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है। हमने ये बटर लिया है, ये हम इसमें मेल्ट करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल कर। देखिए ये मेल्ट हो रहा है। हमने 2 टेबल स्पून मैदा डाला है, अब हम इसको मिक्स करेंगे बटर में। ये खोए की ब्राउनी, 2 लीटर दूध में हमने इसको पहले हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ये है 1 टेबल स्पून ये नमक हमने डाल लिया इसको। इसमें हमने 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च डाल देनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
हाफ टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्च डाली है। इसमें हमने पास्ता डालना है। इसमें ये चटर चीज है, इसको हम दूध में डालेंगे। हमने मुसलसल इसको हिलाते रहना है। ये हमारा पास्ता तैयार है। ये हमने चिकन इसके ऊपर रखना है। इसके ऊपर मैंने चीज रखी है। अब इसके ऊपर हम फिर से चिकन रखेंगे। बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। ये हमने इसके ऊपर रख दी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और क्विक है, आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।